आपके दिमाग में आपको सब कुछ आता है, पर अगर आप उसको अच्छे से पेपर पे प्रेजेंट नहीं करके आ सकते ना, तब तक उस दिमाग में होने का कोई फायदा नहीं है। मान लो मेरे को ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, बट अगर मैं सामने वाले को ना समझा पाऊं तो उसको कैसे पता चलेगा मेरे को सब आता है। इसीलिए ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पेपर में नंबर लाने के लिए। मान लो 40% अगर आपकी नॉलेज है ना, तो 60% बचा हुआ है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करके आ पा रहे हो, तब जाके आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। आपने देखा होगा आपके कुछ दोस्त होते हैं जो कम पढ़ते हैं, जब भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आ सके उसे हम लेजेंड कहते हैं, और वो लेजेंड जब भी बनते हैं जब उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, कि टीचर को लगता है कि यार इसको सब कुछ आता है। आज की इस वीडियो में हम यही सारे पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही तगड़ी हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी प्रिपरेशन लेवल को, जो आपके नंबर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कर सकता है। अगर आप अभी से ही प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे आप अगर 80% स्कोर करने वाले थे तो वही वो 80% उठा के आप 95% लेके आ जाओगे। अगर आप 70% स्कोर करने वाले थे, वही 70% उठा के आप 89-90% तक ले जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से प्रेजेंट करके आ पा रहे हो, आप टीचर को ये जता के आ पा रहे हो कि हाँ मेरे को सब चीज आती है, हाँ मैडम मेरे को पूरी चीजें आती है, मैं पूरा का पूरा परफेक्ट हूं इस सब्जेक्ट में। अगर आप टीचर को ये समझा पा रहे हो, आप टीचर को ये सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो आपके नंबर वो कहीं नहीं काटेगा। वही सारी टेक्निक, वही सारी टिप्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया अभी तो जनवरी है, अभी से ही प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करें। हाँ, अभी से ही हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आखिरी का टाइम जो होता है ना, मार्च का टाइम, जब बोर्ड्स का टाइम होता है, उस समय बच्चे लगे होते हैं कि सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाए। प्रेजेंटेशन अगर वो सुन भी लेते हैं ना किसी से, तो उनको एग्जाम में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उनके वो हैबिट में नहीं है। तो अभी से ही अगर हम प्रेजेंटेशन पे काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ हमें अलग चीज नहीं करनी, मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आप डेली रूटीन में ही कर सकते हो, बट अगर आप डेली रूटीन में अभी से करना शुरू कर दोगे तो आपकी वो एक हैबिट बन जाएगी, जिससे कि आखिरी के टाइम पे आपको स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी प्रिपरेशन आपकी चली जा रही है, वैसे ही जाके एग्जाम देके आओगे और आपकी प्रेजेंटेशन बाकी सारे बच्चों से बहुत प्यारी होगी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। प्रेजेंटेशन सुनते ही सबसे पहला दिमाग में जो पॉइंट आता है वो आता है कि भैया यार हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्या राइटिंग में मैटर करती है हमारे बोर्ड एग्जाम पे? आंसर इज नो, बिल्कुल मैटर नहीं करती। ये देखो, ये रैंक 2 लास्ट ईयर क्लास 10th की सीबीएसई का बच्चा था, 99.8% इस बच्चे के आए थे। मैंने इंटरव्यू लिया था चैनल पे, इस बच्चे के मैं घर पे गया था, इससे बात करी थी मैंने, इसकी राइटिंग देखी थी, कुछ ऐसी खास राइटिंग नहीं थी। उल्टा ये खुद बोलता है, इसकी मम्मी बोल रही थी कि यार इतनी बेकार राइटिंग है, पता नहीं टीचर को कैसे समझ में आ गई, फिर भी इस बच्चे ने 99.8% स्कोर कर दिया। आप भी कर सकते हो, अगले साल आप भी आओगे इस इंटरव्यू में, अगले साल आप भी आओगे इसी चैनल पर इंटरव्यू दोगे, आप भी बोलोगे भैया इतनी कुछ खास राइटिंग नहीं थी हमारी, इतनी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी हमारी, जब भी हम अच्छा स्कोर करके आ पाए। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती। राइटिंग क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। राइटिंग में सबसे मेन चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, वो ये रखनी है कि यार आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, जो लेटर्स होते हैं आपके, वो लेटर्स बस दिख जाएं, लेजिबल हो, पढ़ने में आ जाएं, बस। और कुछ आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है राइटिंग में। आपके जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो अच्छे से पढ़ने में आ जाए, खुला खुला लिखो। ज्यादा हम ऐसा ना करें कि भाई एक ही लाइन में आपने 10-12-14 वर्ड लिख दिए, ऐसा ना हो। एक लाइन में हमारे मैक्स टू मैक्स 6-7 या 8 वर्ड्स हमारे पर लाइन होने चाहिए। इससे क्या होगा, ये अभी से ही हाथ में अपने हैबिट में लगाना शुरू कर देना। अब जब आप कोई आंसर्स को लिख रहे हो, है ना, अभी आप सैंपल पेपर कर रहे होगे या कुछ भी चीज कर रहे होगे, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होगे, तो जब आप कॉपी में लिखते हो, जब आप टेस्ट देते हो, जब आप ट्यूशन में बैठ के लिखते हो, जब आप क्लास में बैठ के लिखते हो, तो कोशिश करना, जब आप प्री बोर्ड दोगे, कोशिश करना अभी से ही हम इस तरह की राइटिंग अपनी लिखनी शुरू कर दें, जिससे कि अभी से ही हैबिट बन जाए हमारी। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, 7-8 वर्ड पर लाइन का रखा कि हम इतने लाइन, एक लाइन में वर्ड लिखेंगे, ज्यादा हम नहीं भरेंगे, जिससे कि वो टीचर को हर चीज समझ में आ जाए, इतना हमें रखना है। लेजिबल होने चाहिए, इतना हमें समझ में आ गया। तीसरा, हम क्या करें, हर आंसर के बाद गैप देना शुरू कर दें। गैप वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हमने भाई यहाँ पे आंसर खत्म हुआ, यहाँ पे आंसर खत्म होते हमने ये पहला आंसर खत्म हुआ, दूसरा आंसर हमने यहीं से शुरू कर दिया। अरे यार एटलीस्ट 2 लाइन का 1 लाइन का गैप दे दो, बीच में एक ऐसे लाइन खींच दो कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो गया। ये सारी चीजें हैं जो आपके पेपर को सुंदर बना देंगी।
बस पेपर में ये दिखना चाहिए कि नीट एंड क्लीन पेपर है, ऐसा ना हो कि आपसे कोई वर्ड मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे हाउ और आप उसको ऐसे ऐसे काट रहे हो कि भैया मैंने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना था, कुछ नहीं हुआ। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया कोई वर्ड जो आपको नहीं लिखना था, सिंपल काट दो, पूरी शीट में वो पता भी ना चले कहाँ कटा हुआ है, ऐसे आपको चीजों को काटना है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें होती है आपकी राइटिंग के ऊपर, राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी, ऐसा होना चाहिए बस पढ़ने में आ जाए। अगर आप उसको पढ़ पा रहे हो, आपका दोस्त उसे पढ़ पा रहा है, आपकी मम्मी उसे पढ़ पा रही है, पापा उसे पढ़ पा रहे हैं, बहुत है। कोई सजाने का कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है, किस तरह से आप चीजों को समझा पा रहे हो उसका कंपटीशन चल रहा है। राइटिंग कंपटीशन अलग होते हैं, उसमें जाके बैठो फिर। तो राइटिंग हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 10 पेन लेके जा रहे हैं, फ्लूट लेके जा रहे हैं, व्हाइटनर लेके जा रहे हैं और उसको कर रहे हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल लिखो, प्यारा लिखो, समझ में आता है टीचरों को, ठीक है। ये पहला पॉइंट कि राइटिंग मैटर नहीं करती। अब बात आती है हमारी कि भैया हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। सबसे मेन चीज जो है वो हमें पता होना चाहिए, जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर होते हैं उन्हें हमें कैसे लिखने होते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स हमारे कौन कौन से हो गए, पहला टाइप ऑफ आंसर हमारा होता है कि भाई हमने बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिख दिया या फिर पॉइंट्स में आंसर लिख दिया हमारे, तो ये होता है पहले टाइप ऑफ आंसर। दूसरा टाइप ऑफ आंसर क्या होता है हमारा, कि हमने पैराग्राफ में आंसर को लिख रहे हैं। तीसरा टाइप ऑफ आंसर क्या होता है हमारा, कि हमें कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, तो डिफरेंस का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा तीसरा टाइप ऑफ आंसर। और या फिर हमें कोई न्यूमेरिकल दे दिया है, मैथ्स में या फिजिक्स में हो गया, कि न्यूमेरिकल्स कैसे लिखने हैं, तो इन सबको मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना एंड तक, बिल्कुल हर पॉइंट आपके सामने रख के समझाऊंगा। अगर मैं आपसे बात करूं, कोई आंसर है जिसमें आप पॉइंट्स लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो 3 मार्क्स का आंसर है, तो 3 मार्क्स का अगर आंसर है तो कोशिश करोगे आप 4 से 5 पॉइंट लिखो, जितने मार्क्स का होता है उससे 1-2 पॉइंट ऊपर लिखने होते हैं। मान लो 5 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क्स का सवाल है, तो आप 6 से 7 पॉइंट्स उसमें लिख रहे हो। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरह से हमें पॉइंट्स वाले आंसर्स को लिखना होता है, एसएसटी में मैक्सिमम इस तरह से लिख रहे होते हैं। बट भैया मेरे को मान लो पॉइंट्स याद नहीं है इतने सारे, मेरे को इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, तो कैसे हम लिखेंगे? देखो मान लो हमने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये 4 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो कोशिश करना कि ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है इसमें हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाए। क्या? इसमें हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाए, उस आंसर से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो इस 2 लाइन में लिख जाए, जिससे कि जब टीचर इसे चेक करे तो उसे पहले ये टिक करते ये टिक करते ही पता चल जाए कि हाँ यार बच्चे को नॉलेज है, हाँ यार बच्चे को पता है कौन सा चैप्टर सा क्वेश्चन है, हाँ बच्चे को पता है इस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी, साथ साथ में भाई ये तो आपको बिल्कुल पता ही है, हर एक टीचर यूट्यूब पे ये बोलता है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दो। तो इस तरह से आपने क्या करा, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपने 2 पॉइंट्स में लिख दी शुरू के, 2 या 3 पॉइंट्स में। उसके बाद जो आपके बचे हुए पॉइंट्स हैं उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, इंटर रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हो, वो जो आपके क्या कहते हैं उसे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं, उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप यहां पे लिख दोगे। शायद हो सकता है कि वो पॉइंट्स जो हैं वो इस आंसर से रिलेटेड ना हो, बट वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस टॉपिक के इर्द गिर्द है, तो आपने यहाँ पे लिख दिए। 2 पॉइंट जो है इसको अच्छे से लिखो, बहुत प्यारे तरीके से लिखो और अंडरलाइन करके लिखो। ये अंडरलाइन करने का तरीके के लिए बेस्ट चीज होती है कि आप एनसीईआरटी एक बार रीड करके जाना। एसएसटी की बात हो गई आपकी, इंग्लिश की बात हो गई आपकी, इंग्लिश में बहुत जरूरी होता है कि आप एनसीईआरटी रीड करके जाओ, जिससे कि आप जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट है वही के सेम वही टेक्स्ट उठा के आप आंसर में डाल पाओ, वही सेम टू सेम फ्रेजेस आप उठा के अपने आंसर में डाल पाओ, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए प्रेजेंटेशन में आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एनसीईआरटी रीडिंग की पावर है, वो बहुत काम आएगी। तो इसलिए इंग्लिश में जरूर से एनसीईआरटी पूरी अच्छे से रीड करके जाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारे पॉइंट वाले आंसर्स की बात। अब अगर हम बात करें कि हमें पैराग्राफ में अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है, पैराग्राफ को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करना। हमेशा मैं आपको बताता हूं, एक पहला पैराग्राफ जो होगा वो होगा इंट्रो, कि 2-3 लाइन आपने लिख दी कि इस चैप्टर में क्या क्या है, किस, जैसे इंग्लिश का हो गया तो इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, उसका राइटर ये था, ये थीम है इसकी, वो आपने पहले इंट्रो वाली 2-3 लाइनों में लिख दी। उसके बाद जो होगा वो होगा आपका मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में क्या क्या आएगा कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में जितना भी पॉइंट्स लिखने हैं, जितनी भी बातें लिखनी है, वो आपने मेन कंटेंट में यहां लिख दिया। फिर उसके बाद लास्ट में होगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? कंक्लूजन वही होता है जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को लिख दो कि हेंस दिस इज, ये जो क्वेश्चन है इसे कहते हैं कंक्लूजन। तो जब भी आप किसी पैराग्राफ को लिख रहे हो तो हमेशा इस तरह से बना के लिखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पैराग्राफ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को आपको बताना है, वो ये है कि मान लो आपका 5 मार्क्स का, या फिर 5 मार्क्स में ऐसे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा हम बोल सकते हैं, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं, अगर लॉन्ग आंसर्स आपके आए हैं जिसमें आपको 2-2 पेज भरने हैं या 1.5-1.5 पेज भरने हैं, तो इसमें कोशिश करना पहले आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ,
मात्र 2 मिनट के लिए रुक जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपकी आंसर को लास्ट शीट है, जो आपकी लास्ट आंसर शीट है, जो आंसर शीट आपकी मिली हुई है, उसका जो लास्ट पन्ना है, उसका जो लास्ट पन्ना है, लास्ट पेपर है, उस लास्ट पेपर पे इस लॉन्ग आंसर से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिख दो कि भाई मैं इस आंसर में ये लिख दूंगा, मैं इस आंसर में ये लिख दूंगी। तो आपने इस वाले लॉन्ग आंसर के लिए ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आए। 2 मिनट रुको, सोचो क्या क्या लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगी, जिससे कि आप एक पैटर्न में, एक फ्लो में इस आंसर को लिख पाओ। क्योंकि जब भी एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। फिर हमें दिमाग में आता है, यार ये पॉइंट भी मैं ऐड कर सकता था, ये पॉइंट मैं ऐड कर सकती थी, पहले ऐड कर सकती थी, बट अब तो लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, पूरा आंसर काटेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। तो इसलिए पहले ही दिमाग में 2 सेकंड लगा के, 2 मिनट लगा के आप पहले ही जितने भी पॉइंट्स है वो जॉट डाउन कर लो यहाँ पे कि भाई मैं ये पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करूंगा या ये पॉइंट्स मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। फिर उसके बाद, अब इसके बाद एक पूरा फॉर्म में लिखो कि भाई इन पॉइंट्स में से, इन पॉइंट्स को मैंने लिखा है ना, तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लूंगी, फिर ये वाला कर लूंगी, फिर ये वाला कर लूंगी, फिर ये वाला कर लूंगी, ये वाला कर लूंगी, पांचवा, ये छठे लाइन में डिस्कस कर लूंगी, ये सातवें में कर लूंगी, ये आठवां पॉइंट डिस्कस करूंगी। इस तरह से मैं इन चीजों को एक फ्लो में रखूंगी। तो टीचर को क्या लगेगा, टीचर को ये लगेगा कि हाँ यार, इस बच्चे को इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, एक प्रॉपर फ्लो में लिख रखा है। ऐसा नहीं है कभी भी सर पैर कहीं भी जोड़ दिए, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये होता है लॉन्ग आंसर्स के लिए। ये आपके जब भी इंग्लिश में लॉन्ग आंसर्स आएंगे उसमें बहुत जरूरी होता है, जो आपके आगे लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होते हैं उसमें बहुत जरूरी होता है। मैंने मैक्सिमम इंग्लिश में ऐसे ही करा था और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे अंग्रेजी के एग्जाम में, ठीक है। साइंस में, SST में जब आपको कोई लॉन्ग आंसर लिखना है, तो मैंने बताया ना आपको कि शुरू के जो 2 पॉइंट्स है उसमें सारी कॉन्टेंट होना चाहिए। तो वो कॉन्टेंट आपको कैसे पता चलेगा सारा कहाँ है, इस वाले पॉइंट से पता चलेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है हमारा पैराग्राफ वाली चीज। अब बात करते हैं हम कि अगर हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, अपना बचपन से हम सीख के आ रहे हैं कि एक बीच में लाइन खींचते हैं, इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद इस टॉपिक के रिलेटेड जितने पॉइंट्स होते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये तो हम बचपन से करे जा रहे हैं। एक चीज जो यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, मान लो आपने इस तरह से लाइन खींची, इस तरह से ये करा, आपने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आपने पहला पॉइंट इस वाले का यहाँ पे लिखा और मान लो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, लिखना आपने शुरू करा। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, अब जो इस वाले टॉपिक का दूसरा पॉइंट है, वो यहां से मत शुरू कर देना कि भाई जहां पे खत्म हुआ मैं अपनी लाइन बचा लू। नहीं, वो अलाइनमेंट सही नहीं बैठता है, अच्छा नहीं लगता है वो दिखने में। जहां से जिस लाइन से आपने इसका सेकंड पॉइंट शुरू करा है, उसी लाइन से इसका सेकंड पॉइंट शुरू हो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो ये यहां पे खत्म हुआ, अब इसका थर्ड पॉइंट आप यहां से शुरू करोगे तो इसका भी थर्ड पॉइंट आप यहां से शुरू करोगे, भले ही यहां पे थोड़ा सा ये गैप बच जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अलाइनमेंट वाली चीजें होती हैं यार, पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। बच्चे इसको नहीं दिमाग में रखते, गुजर बुचड़ करके कुछ भी लिख देते हैं, खिचड़ी बना के आ जाते हैं। टीचर का दिमाग खराब हुआ तो नंबर काट लेगा। टीचर को ऐसे समझो कि वो एक पांचवी का, छठी का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। आपको हर चीज उसको वहां पे बतानी है कि देख बेटा ये। जैसे बचाते हैं ना बच्चों को, समझाते हैं कि वो पूछता ये क्यों हुआ, तो आपने बताया कि ये इसलिए हुआ। फिर वो पूछता ये क्यों हुआ, तो आपने बताया ये इसलिए हुआ। तो इसीलिए टीचर को कुछ नहीं पता। टीचर को 1+2=3 भी नहीं पता, वो भी आपको ब्रैकेट में साइड में लिखना होगा। अब आते हैं इसी पॉइंट्स पे हम कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे मेन चीज जो होती है वो ये होती है कि आपने मान लो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करी, मान लो सर्कल का सवाल था, सर्कल के सवाल में आपको एक टेंजेंट दे रखी थी, ठीक है। तो ये ए बी एक टेंजेंट है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो आपने ओपी एक कंस्ट्रक्शन करी और आपने लिख दिया कि OP=90 degree, या फिर ओपी ए जो एंगल है, जो एंगल ओपी है वो 90 degree है, आपने इतना लिख के छोड़ दिया। टीचर को क्या पता कि ओपी 90 degree है? आपको ब्रैकेट में थ्योरम भी लिखनी होगी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें तो जो लाइन होती है ये 90 degree होती है टेंजेंट पे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। जैसे अब मान लो a² + b² का कहीं पे फॉर्मुला यूज कर रहे हो, आपको x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 दे रखा है, आप इसको लिख रहे हो x² + y² + 2xy
इक्वल टू 13 लिख रहे हो, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हो, तो ब्रैकेट में लिखो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जरूरी होते हैं लिखने, ये अभी से हैबिट डाल लो, अभी से हैबिट डाल लो, इसकी अभी से हैबिट डाल लो, इसको इस तरह से लिखने की अभी से हैबिट डाल लो। जब भी आप प्री बोर्ड का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हो उसका क्वेश्चन कर रहे हो, आप कहीं पे भी अपने आंसर्स लिख रहे हो उसका क्वेश्चन कर रहे हो, तो तीनों में कोशिश करो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखो कि भाई अगर मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं तो इस तरह से लिखूंगा, आंसर में पैराग्राफ में लिख रहा हूं तो इस तरह से लिखूंगा, डिफरेंस में लिख रहा हूं तो इस तरह से लिखूंगा, और अगर मैं मैथ्स का कोई सवाल कर रहा हूं तो अभी से ही हैबिट बना लो कि जहां पे भी मैं कुछ यूज करूंगा मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, जहां पे मैं कुछ यूज करूंगी थ्योरम मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, जिससे कि क्या होगा आखिरी में जाके आपको दिमाग में नहीं लाने की जरूरत पड़ेगी। बच्चे ये वाला पॉइंट हमेशा भूलते हैं मैथ्स में, क्यों? क्योंकि हैबिट में नहीं होता। आखिरी के टाइम पे किसी की एक वीडियो देख ली, उसने बोला ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना है, अब बच्चा एग्जाम में जाने के बाद वैसे इतनी एंग्जाइटी में होता है, वो भूल जाता है, वो सीधा जल्दी करके आ जाता है, नंबर कट जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको प्रेजेंटेशन में ध्यान रखने हैं, इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके नंबर बहुत कम चांसेस हैं कि कटेंगे, ठीक है। तो अगली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये होती है, वो ये होती है कि आप अभी से ही एक काम करना शुरू कर दो। मैं हर साल ये बच्चों को बताता हूँ कि मान लो आप मैथ्स का कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने मैथ्स का कोई सैंपल पेपर उठाया तो आपने मन करा कि आज मैं एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, या मैं आज सैंपल पेपर सॉल्व करूंगी, आपका मन करा कि आज मैं सेक्शन डी से शुरू करूंगा, डी करूंगा, फिर सी करूंगा, फिर बी करूंगा, फिर सेक्शन ए करूंगा, ठीक है। जब इस तरह से करा तो इसके बाद एक डायरी में या एक पेज में लिख देना कि आपके इसमें क्या क्या लर्निंग्स रही, आपका टाइम कितना लगा इसमें, आपके कहां कहां पे गलतियां आई और आपको कहां कहां पे ऐसा लगा कि ये मेथड रॉन्ग था। ये आपने पहला मेथड यूज करा, दूसरे दिन आपका मन करा, आपने कहा मैं सी से यूज करूंगा, फिर डी पे जाऊंगा, फिर बी करूंगा, फिर मैं ए करूंगा, इसमें आपके कितने नंबर आए, आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई, आपने यहां लिख दी। तीसरे दिन आपका मन करा कि भाई मैं अब तो सिंपल अपने जो दुनिया जिस प्रकार से चल रही है ABCD वैसे ही चलता हूं, फिर इसमें जो जो आपको दिक्कत आई, जो जो प्रॉब्लम्स आई, जिस तरह से आपके रहे, कितने नंबर आए वो लिखो। अब इसके बाद अभी से एनालाइज कर लो कि आप में तीनों में से कौन सा मेथड जो था बेस्ट था, और वही बेस्ट मेथड, मान लो मेरे को ये वाला बेस्ट मेथड लगा तो मैं यही बेस्ट मेथड जो है अपने बोर्ड के एग्जाम में यूज करके आऊंगा, अपना बोर्ड के एग्जाम में ये यूज करके आऊंगा। बोर्ड का एग्जाम आपकी फाइनल रणभूमि है, ये जो अभी टाइम चल रहा है आपका, ये सिर्फ आप अस्त्र इकट्ठे कर रहे हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोर्ड्स के टाइम पे हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जितना एक्सपेरिमेंट करने हम अभी कर लेंगे, जितनी हमें कारिस्तानी करनी है सारी अभी कर लेंगे। बोर्ड के एग्जाम पे ये नहीं सोचेंगे यार डी से करूं, सी से करूं, ए से करूं, बी से करूं, नहीं, ये सारे काम पहले कर लो, ये सारे काम आपके होमवर्क है, पहले करके आते, अब मत सोचो बैठ के। तो इसलिए ये चीज भी अभी से करना शुरू कर देना, गोल्डन चीज है, बहुत बच्चों ने करा था। मैं इस बच्चे से घर पे इसके मिल के आया था, इसने यही चीज बताई थी मेरे को कि भैया मैथ्स में SST में जो आपके नोट्स थे ये सारी चीजें मेरे को बहुत काम आई थी, क्योंकि उससे मेरे को पैटर्न पता चल गया था। मैथ्स का मैंने यही चीज करी थी कि पहले डी बी ए, और फिर उसके बाद मैंने देख लिया था कि मेरे को ये वाला पार्ट जो है इस वाले सीक्वेंस से करने में बेस्ट मेरा आउटपुट निकल रहा है, तो मैंने वो ही सीक्वेंस उठा के अपने बोर्ड के एग्जाम में यूज करा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखोगे, मेरे दिमाग में जितने पॉइंट थे मैंने यहाँ पे लिख रखे थे, अब देख रहे हो आप, मेरे दिमाग में जितने पॉइंट थे मैंने यहाँ पे लिख रखे थे, क्यों लिख रखे थे? जिससे कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं वीडियो को। अगर मैं वीडियो में जब भी मेरा जो मन आ रहा है दिमाग में मैं वो बोलते जाऊंगा तो आपको भी लगेगा यार पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, बेकार वीडियो है, जाओगे। ऐसे ही आपको भी जज करा जाएगा। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी सर पैर करके लिख के आ जाओगे आंसर, तो टीचर कहेगा पता नहीं क्या बेकार बच्चा क्या लिख के आ रहा है, नंबर काटो। समझ आ रहा है? तो इसलिए पेपर को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले प्रेजेंटेशन के लिए काम करना, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में जितने पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन कर लिए कि अब मैं अच्छी एक वीडियो डिलीवर कर पाऊंगा, जितने पॉइंट्स थे मैं सारे कवर कर पाऊंगा, जितने थे सारे कवर कर लिए, जितने भी थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, क्योंकि मैंने पहले से होमवर्क कर रखा था। तो यही होमवर्क जो है ये आपको पहले से करके जाना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से कोई और चीज चाहिए हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। एक मैं वीडियो सोच रहा हूं, मैंने कुछ टीचर्स से बात करी थी आपकी बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपीज चेक होती है, क्या क्या चीजें दिमाग में रखते हैं टीचर्स, उसके ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिल्कुल ले आऊंगा। घर पे कोई आ गया है मैं गेट खोल के आता हूँ। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा दे रहे, आग लगा दे रही है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय।